लेकिन हम लोग तो भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो ये अवतार जो है शंकर जी का है, ठीक है। लेकिन शंकर जी का जो अवतार है हनुमान जी का, उसमें दिखाया गया है कि ये श्री राम जी के भक्त हैं, ठीक है। तो पहले तो ये भक्त है हनुमान जी, फिर हम लोगों के लिए भगवान है, डायलॉग था उसमें। वो डायलॉग आज तक, मैंने रामायण पढ़ी है, रामायण में आज तक वो डायलॉग नहीं देखी है कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, ठीक है। ऐसा कोई डायलॉग हनुमान जी नहीं बोले हैं। आदि पुरुष, अगर एक शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो आदि पुरुष बहुत ही बाह्यात मूवी है, इसे पूर्ण रूपेण बैन करना चाहिए। और इस मूवी को बैन करने के लिए ना सरकार को आगे नहीं, हम सनातनी को आगे आना पड़ेगा। जात को, कास्ट को अलग हट के ना हम सनातनी को एक साथ होना पड़ेगा, तभी ये मूवी बैन होगा, नहीं तो नहीं होगा। भैया वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि ना इस मूवी का वस्त्र सही है, ना किरदार सही है, ना डायलॉग सही है, ना गाना सही है, कुछ भी नहीं सही है। फिर भी मूवी 340 करोड़ कमा लेती है 4 दिन में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे हिंदुस्तान के सनातनी जितने भी हैं ना, सब अगर एक शब्द में बोलूँ तो हिजड़े हैं, ठीक है। अगर जब तक ये उठेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे ना कि भैया बैन करो, ठीक है, तब तक बैन नहीं होने वाला है, ठीक है। हिम्मत है, द केरला स्टोरी बंगाल में चल गया, वेस्ट बंगाल में चला द केरला स्टोरी, ममता बनर्जी ने सीधा एक लाइन में बैन कर दिया, नहीं चलने दिया। तो चलिए पेश करते हैं इस सदी की सबसे वाहियात फिल्म आदि पुरुष की पब्लिक ओपिनियन आपके सामने। आदि पुरुष फिल्म का वर्णन एक शब्दों में। आदि पुरुष, अगर एक शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो आदि पुरुष बहुत ही वाहियात मूवी है, इसे पूर्ण रूपेण बैन करना चाहिए, मूवी नहीं चलनी चाहिए इंडिया में। जैसे नेपाल में बैन हो गई, उसी तरह इंडिया में भी ये बैन होनी चाहिए। सीता का जन्म कहाँ हुआ था? जनकपुर। जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। फिल्म में क्या दिखाया गया? अब फिल्म में पूरी मूवी तो मैंने देखी नहीं है, ट्रेलर देखी है, इससे मुझे अनुभव है। फिल्म में जो भी दिखाया गया, हर एक चीज़ गलत दिखाया गया है। ना मैं बता देता हूँ आपको, फिल्म में दिखाया गया कि सीता माता का जन्म भारत में हुआ था। हालांकि कहीं कहीं इतिहास में मिलता है कि मिथिला में उनका जन्म हुआ था, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि श्रीलंका में उनका जन्म हुआ था। चलिए तो मैं एक बार बता दूं कि अगर मिथिला की मैं बात करूं तो मैं भी एक मिथिलांचल हूं, ठीक है। मैं भी मिथिला से ही बिलोंग करता हूं, बिहार मिथिला का रहने वाला हूं, और जनकपुर जो है हमारा हिस्सा है मिथिला का, ठीक है। और अगर अखंड भारत की बात की जाए तो अखंड भारत में नेपाल भी जो है सो आना चाहिए, ठीक है। आता था, अब थोड़ा, अब मिथिला का जो हिस्सा है वो चला गया उधर जनकपुर। हाँ, जनकपुर जो है सो उधर चला गया, लेकिन जनकपुर बिहार में आना चाहिए और मिथिला में होना चाहिए, ठीक है। मैं भी एक मिथिलांचल हूँ, मैं उसके वहाँ के धरती से वाकिफ हूँ, वहाँ क्या है नहीं है हर चीज़ मैं जानता हूँ। अच्छा, अभी मतलब एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो डायलॉग के लेखक हैं मनोज मुंतशिर, जिन्होंने आदि पुरुष में डायलॉग लिखा है, उन्होंने जो डायलॉग लिखा है आप शायद जानते होंगे। हाँ। आपके मुखारबिंदु से मैं सुनना चाहूँगा, वो डायलॉग क्या था जो आपको पसंद नहीं है? डायलॉग यही था कि हनुमान जी का आज तक जो डायलॉग था उसमें, वो डायलॉग आज तक, मैंने रामायण पढ़ी है, रामायण में आज तक वो डायलॉग नहीं देखी है कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, ठीक है। ऐसा कोई डायलॉग हनुमान जी नहीं बोले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही बाहियात मूवी है, डायलॉग भी बहुत ही बाहियात है, ठीक है। और पहनावा, किरदार, कुछ भी मैं बात करूं, ठीक है, सब कुछ बाहियात है। पूर्ण रूपेण ये मूवी बंद होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और इस मूवी को बैन करने के लिए ना सरकार को आगे नहीं, हम सनातनी को आगे आना पड़ेगा। जात को, कास्ट को अलग हट के ना हम सनातनी को एक साथ होना पड़ेगा, तभी ये मूवी बैन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपके हिसाब से हनुमान जी भगवान थे या भक्त थे? भक्त थे। भक्त थे, बिल्कुल जी। मनोज मुंतशिर का भी यही कहना है कि हनुमान जी भक्त थे, भगवान नहीं। हाँ। लेकिन हम लोग तो भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो ये अवतार जो है शंकर जी का है, ठीक है। लेकिन शंकर जी का जो अवतार है हनुमान जी का, उसमें दिखाया गया है कि ये श्री राम जी के भक्त हैं, ठीक है। तो पहले तो ये भक्त है हनुमान जी, फिर हम लोगों के लिए भगवान है। हम लोगों के लिए तो भगवान हुए ना? बिल्कुल, हम लोगों के लिए भगवान ही है। और भगवान को हनुमान जी ने कभी चमड़े का ये कुछ पहना नहीं, और वो जो दिखाया गया आपके हिसाब से? भैया वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि ना इस मूवी का वस्त्र सही है, ना किरदार सही है, ना डायलॉग सही है, ना गाना सही है, कुछ भी नहीं सही है। फिर भी मूवी 340 करोड़ कमा लेती है 4 दिन में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे हिंदुस्तान के सनातनी जितने भी हैं ना, सब अगर एक शब्द में बोलूँ तो हिजड़े हैं, ठीक है। अगर जब तक ये उठेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे ना कि भैया बैन करो, ठीक है, तब तक बैन नहीं होने वाला है, ठीक है। हिम्मत है, द केरला स्टोरी बंगाल में चल गया, वेस्ट बंगाल में चला द केरला स्टोरी, ममता बनर्जी ने सीधा एक लाइन में बैन कर दिया, नहीं चलने दिया। हिम्मत है सनातनी धर्म को, पूरे जात को, कास्ट को छोड़ के एक साथ खड़ा होकर
OTT पे आने से रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा सनातनी धर्म, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि भैया हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बस इतना ही देखते हैं, और यही देखते रह जाएंगे ना, तो आगे जो होगा वो भगवान ही मालिक है। आपने आदि पुरुष देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। अच्छा, आदि पुरुष का पोस्टर पिक्चर्स वगैरह तो देखे होंगे आपने। आदि पुरुष के पोस्टर्स में जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसमें रावण को नहीं दिखाया गया था, लेकिन कुछ अभी पिक्चर्स वायरल हुए, आपने देखा होगा रावण को जिस तरीके से दिखाया गया, क्या वैसा वेशभूषा रावण का था कभी? नहीं मैंने तो नहीं देखा भैया। रामानंद सागर जी के रामायण आपने देखी है? बचपन में रामायण देखी होगी आपने? नहीं मैंने बचपन में रामायण नहीं देखी। नहीं मैंने रावण को वो वेश नहीं देखा, मांस खाते हुए दिखा रहे, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। मतलब जो आदि पुरुष में दिखा रहा है वो तो आपने कभी नहीं देखा? नहीं। और नहीं राम की मूछें दिखा रहे, राम की तो मूछें थी नहीं, आपने देखी जी? मैंने तो नहीं देखा। और इसमें कैसे दिखा रहे हैं? कैसे दिखा रहे हैं वो बनाने वाले जाने, अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बिल्कुल गलत लगा भैया। गलत लगा? हाँ जी। मूवी चलनी चाहिए या बैन होनी चाहिए? बैन होनी चाहिए। हनुमान जी भक्त थे या भगवान? भक्त थे। भक्त थे? किनके भक्त थे? राम के थे। राम के भक्त थे? हाँ जी। राम के भक्त थे, वो चमड़ा के कुछ पहन के घूम सकते थे? नहीं ऐसे कभी घूमते हुए देखा था पिछली रामायण? नहीं मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा था? नहीं। और उस मूवी में दिखा रहे हैं? चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थी आदि पुरुष पर दिल्ली की जनता की राय, आपके समक्ष हमने रखा, आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी, तब तक दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।